नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चल रही हूँ मैं, एक रेसिपी बनाती हूँ और आप सबको बना के दिखाती हूँ। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। और चैनल वाली दीदियों से थोड़ा बात बताना है उनको, कि कई दीदियां आती हैं चैनल पर तो वो लिखती हैं 136 लाइक हमारा है, 120 लाइक हमारा है, 130 लाइक हमारा है। तो इस तरह का कमेंट मत भेजिए दीदी, अच्छा नहीं होता। मैं भी सुना है और बड़े चैनल वाले बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं एक दो चैनल वाले भैया और दीदी हैं तो वो फोन करके बोलती हैं कि तुम्हारे चैनल पे ऐसा है, इसको सुधारो इसको सुधारो। तो मैं उसी लिए बता रही हूँ। तो हमारे चैनल पर आजकल काफी आ रहा है कि हमारा 87 लाइक है, हमारा 88 लाइक है। तो ऐसा ना लिखिए, आप लाइक करते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आप सब अच्छा करते हैं, लाइक करते हैं, और हम जानते हैं कि हमारी दीदियां सभी और भैया भी लाइक करते हैं। तो इसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं, आप कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन जो यूट्यूब की तरफ से अलाउ नहीं है वो चीज़ नहीं लिखना चाहिए। और इमोजी क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, जो हाथ सेव और ये मतलब कई कई जो होता है वो मेरे को तो आ नहीं रहा है दोस्तों। तो भेजते हैं ढेर सारा, कई मतलब शब्द ना लिख करके भेज देते हैं और अच्छा भी लगता है, लेकिन उसको भी ढेर सारा नहीं भेजना चाहिए, सिर्फ एक ही भेजना चाहिए। तो कई दीदी को नहीं पता होगा, तो वो जैसे मैं चैनल वाली दीदियां ने फोन करके बोली हैं कि संगीता तुम्हारे चैनल पे ऐसा वैसा। और ये भी है दोस्तों, आप ये भी सवाल करोगे कि संगीता ऐसा क्यों बोल रही हो, बड़े चैनल पे तो बहुत सारा आता है ऐसा। तो दोस्तों, बड़े चैनल वालों का उनका बड़ा होता है, तो बड़े चैनल वालों को 1,000, 2,000, 10,000 ऐसे कमेंट आ जाता है। तो उसमें आधा तीहा कमेंट तो आधा, या जैसे 100, 1,000 में से 100 आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे चैनलों वालों का थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो चलती हूँ मैं रेसिपी बनाती हूँ। आज अरबी लिया है और इसको उबाल लिया है, थोड़ा भी लिया है अरबी। तो चल रही हूँ मैं इसका रेसिपी बनाती हूँ। तो इसी तरह हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं छिलका उतार ले रही हूँ। तो ये उबलने के बाद बहुत आसानी से इसका छिलका निकल जाता है। तो इसी तरह हम सारे अरबी के छिलके को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, हमने अरबी को निकोल लिया है, निकोला बोला जाता है दोस्तों यहाँ, अपने यहाँ का भाषा मेरे मुंह से निकल जाता है। तो हमने अरबी को छील लिया है, तो हमने बोल दिया है, निकोल लिया है, तो हमारे यहाँ ऐसे ही बोला जाता है। तो मैं वैसे बोल देती हूँ, मेरे को भूल हो जाता है। तो मैं प्याज ले रही हूँ, अब इसको काट लेती हूँ। और बहुत सिंपल तरीके, बहुत अच्छे तरीके से ये जल्दी से बन के तैयार होने वाला यह रेसिपी है, और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी बनाइएगा कभी। तो अंजलि तो अभी वहाँ बोल रही है पीछे। तो काट ले रही हूँ, तो मिर्ची को काट लेती हूँ। तो हमने यहाँ पर ज़्यादा मिर्चा लिया है, तो इतना मिर्चा नहीं डालेंगे, दो निकाल देते हैं, तीन ही मिर्चा को काटेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह काट लेते हैं के ही सहायते से अरबी को ऐसे फोड़ देते हैं। तो ये काफ़ी उबलने पे ये थोड़ा इसमें लासा टाइप निकलता है, चिपचिपापन, तो ये तो जाएगा नहीं अरबी में, या तो इसको तला जाए अच्छी तरह से। तो आप अपने हिसाब से इसको तल सकते हैं, ज़्यादा तेल लगेगा तो हम ज़्यादा तलेंगे नहीं दोस्तों। तो हम इसी तरह अरबी को हाथ से ऐसे मैश कर लेती हूँ इसको मिक्स। तो हम अरबी को ऐसे मिक्स कर ले रहे हैं इसको।
तो हम गैस को जला दिए हैं, अब इस पे रखेंगे तावा। तावा को हमने रख दिया है। ये हमने ले लिया साबुत धनिया, तो अब इसमें तावे में डाल देते हैं। डाल दिया है प्याज को भी डाल दिया है, तेल अभी नहीं डाला है। तो हमें इसको तड़का तो थोड़ा जल चुका है, थोड़ा बाकी है, तो हम रिफाइन के तेल में इसको तड़के हैं। तो आज सरसों का तेल घर में नहीं था तो रिफाइन का ही तेल डाले हैं, तो सरसों का तेल ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप ज्यादा तेल में इसको तल सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। तो हमें तेल में इसको फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह ये ऐसे इसमें चिपचिपाहट है। तो मैं इसी तरह इसको तड़क दिया है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। तो हम काफी धीमा आंच में इसको हम तलेंगे, नहीं तो ये जलने लगेगा और तावा में भी चिपक जाएगा। इसमें मसाला को डाल दिया है, करीब एक चम्मच के बराबर ही मसाला डाला है। तो ये थोड़ा हम चाट पाउडर डाल दे रहे हैं, ये आमचूर पाउडर है, तो हम थोड़ा आमचूर पाउडर को भी डाल देते हैं। और ये चाट मसाला भी डाल देते हैं। तो चाट मसाला थोड़ा है तो थोड़ा ही मिला देते हैं वैसे। तो अब चला देते हैं सभी को। और इसमें अब डालेंगे हम नमक। तो आप देख सकते हैं तावे में ये चिपक गया है, अगर तेल होता तो तेल न चिपकता। तो हम ज्यादा तेल इसमें नहीं डाल रहे हैं। हम थोड़ा आधा चम्मच के बराबर इसमें नमक डाल देते हैं। और अब अच्छी तरह से इसको सभी मिला लेते हैं और फिर इसको नीचे उतारेंगे। और चल रही हूँ मैं आटा गूंथ लेती हूँ। तो तेल होता तो ये चिपचिपापन जो होता है इसमें तो कम हो जाता, और काफी ये कम हो गया है। आप देख सकते हैं उतना नहीं है जितना पहले था। तो अब हम इसको चला देते हैं। तो हमने थोड़ा डालडा लिया है, पिघला लेते हैं इसको। तो हम अब इसमें ये मैदा लिया है, करीब 100 ग्राम मैदा है। तो इसमें हम थोड़ा मतलब दो तीन चम्मच छोटा वाला चम्मच के बराबर डालडा है, तो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है डालडा, तो मैं नाप तौल नहीं किया। तो अब इसको हम मिला लेते हैं। अभी पानी नहीं डालेंगे, पहले इसको हम मैदे में अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इसी तरह मिलाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मुट्ठी बन रहा है, तो समझ लेना ये तैयार है मैदा। तो अब इसको हम गूंथ लेते हैं पानी डाल के। इसको इसी तरह बेल लेते हैं, इसको छोटा छोटा ही बनाएंगे क्योंकि कढ़ाई है हमारे पास, वो तावा नहीं है कि बड़ा बड़ा मैं बना सकूं। जो पेन आता है तो कढ़ाई में थोड़ा ही छोटा ही बनेगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसी तरीके से इसको भर लेती हूँ। तो इधर भी पानी लगा देती हूँ और इस चारों तरफ पानी लगा देते हैं। और इसको इस तरह ऐसे बंद कर देना है। तो आप समोसे की आकार भी भर सकते हैं, आप अपने मनचाहा शेप दे सकते हैं इसको। तो हम इसी तरह भर लेते हैं सभी को एक एक करके। तो हम एक एक करके बना लेते हैं। बना लिया है। हम कढ़ाई को रख दे रहे हैं, अब तेल को डाल देते हैं। तो तेल हमारा जब तक उबल रहा है, इसको धीमे आंच में ही सेकना है, नहीं तो बीच में ये मैदा कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा।
तेल में एक एक करके तल लेते हैं। तो इसी तरह हमें तलना है, तो अभी हम चलाएंगे नहीं, तो अभी तल लेते हैं। तो दोस्तों ये रेसिपी आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अब हम इसको पलट देते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ हमारे गांव के लोग इस तरह बनाया करते हैं, तो आज हम भी उसी तरह बनाते हैं और काफी लोगों को पसंद भी आता है। तो दोस्तों जो अरबी का सब्जी नहीं खाते होंगे और अरबी को पसंद नहीं करते होंगे तो शायद उनको ना पसंद आए। तो आप देख सकते हैं अब हम पूरा तल चुके हैं, बस थोड़ा बाकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सभी बना लिया है ये अरबी का नाश्ता। तो आप सुबह के टाइम भी बना ये, आप देख सकते हैं कितना अच्छा से ये बना है। मैं तोड़ के दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो आप किसी भी टमाटर के चटनी से भी खा सकते हैं और मिर्ची की भी चटनी लगा कर खा सकते हैं, उससे बहुत अच्छा बना है बनता है ये और खाने में भी अच्छा लगता है। हाय करो अंजलि, नमस्ते, टाटा कर दो। तो गुंजन ये टाटी के बगल में बैठी है ताकि दिखाई न दे, दिखाओ चंदन गुंजन को। तो आप देख सकते हैं अंजलि नमस्ते कर रही है। तो आज अंजलि सुबह उठकर नहाई नहीं है दोस्तों, और ये कहती है दोपहर के टाइम नहाएगी, तो अब वीडियो बनाने के बाद ही इसको नहलाएंगे। तो नमस्ते करो, टाटा कर दो। तो अंजलि खाने को मांग रही है, तो अभी जल रहा है अंजलि। तो अंजलि नमस्ते कर रही है दोस्तों, और चंदन भी खाने लगा है। तो चंदन नमस्ते दोस्तों। तो आप सबसे चंदन नमस्ते कर रहा है, और अच्छा बना है चंदन। तो गुंजन को आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह पीछे छिपी बैठी हुई है। अच्छा बना है अंजलि बोल रही, अच्छा बना है अंजलि, बहुत अच्छा बना है। अच्छा तो कैसे लागत है, मीठ लागत है कि मीठ लग रहा है? दोस्तों नमक पड़ा है उसमें, तो अंजलि को मीठ लग रहा है, जो कहलाते हैं वही कहती है। तो एक बार हाय करो। तो दोस्तों कल वाले वीडियो में चंदन का एक नया वीडियो जरूर देखना। कल चंदन बोल रहे हैं कि मम्मी मैं चैलेंज वीडियो बनाऊंगा, तो आप सब जरूर देखना दोस्तों कल वाले वीडियो में। तो अभी हंस रहे हैं चंदन। तो दोस्तों चंदन को मैं जो बताई थी कि कल बनाएंगे, तो कल जरूर बनाएंगे वीडियो, आप जरूर देखना दोस्तों। और दोस्तों अभी देख रहे हैं अंजलि खा रही है। तो दोस्तों जो हम कम्युनिटी पोस्ट करते हैं आप उस पर भी फॉलो करिए दोस्तों, प्लीज प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। तो आप सब कम्युनिटी पर लाइक भी करके चले जाते हैं, कई कई भैया दीदी कमेंट नहीं करते, तो आप लाइक भी किया करो और कमेंट भी किया करो तो अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।